हेलो यूट्यूब फैमिली, सबको सादर प्रणाम। कैसे होंगे आप लोग? सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज एक सुंदर वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो वीडियो है, आज यहाँ के वातावरण जो कि सुंदर बर्फ़ पड़ रखी है और बर्फ़ के ऊपर हम थोड़ी ज़रा एक दो क्लिप बनाना चाहेंगे, आप सभी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर आज और कल जो रात को बर्फ़ पड़ी है, रात को थोड़ा टाइट हो गई बर्फ़ और यहाँ की बर्फ़ में काफ़ी आपको डिफरेंस मिलेगा, जो कि मुझे मिला और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। यहाँ की बर्फ़ की आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ ना पानी नहीं बनता है, ये देखो सूखा हो गया आप। तो ये एक बहुत मतलब अलग वातावरण है यहाँ का, और ये देखो ये पिघलेगी नहीं अब। और हमारे यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है ना तो वहाँ का एक अलग नज़ारा है और यहाँ का एक अलग नज़ारा है। तो ये चीज़ मुझे ना काफ़ी रुचिक लगी कि मतलब यहाँ में और हमारे में ऐसे में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ तक मेरे को यहाँ की जो हवा, यहाँ का जो वातावरण है ना, वातावरण का ये सबसे मेन अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से ना ये यहाँ पे यहाँ की बर्फ़ ना हाथ पे पकड़ो तो वो पिघलती नहीं और ना वो पानी बनता है, तो वो मतलब नॉर्मली रहती है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टेड लगती है। और यहाँ पे अभी हम जहाँ पे बाहर निकले हैं तो ये आप सुंदर नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ रखी है पेड़ों पे और ये घर हैं जो कि काफ़ी सुंदर और बहुत ही बेहतरीन है दिखने में। तो आप लोगों को ज़रा जूम करके भी दिखाया जाए ताकि आप लोग देख सकें ये यहाँ का वातावरण। यहाँ पे अभी गाड़ियाँ चल रही है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ऊपर पेड़ों में भी काफ़ी बर्फ़ घरों में तो, और यहाँ घर इसीलिए जो है ना ऐसे बनाए रहते हैं क्योंकि बर्फ़ का टेढ़े इसलिए बनाए रहते हैं क्योंकि वो डाले रहते हैं, सीमेंट नहीं डालते ताकि वो जो बर्फ़ है वो ऑटोमेटिक पिघले तो वो नीचे गिरे, ताकि वहीं पर जमा ना हो और निकालने ना पड़े, तो इसके लिए ये ऑटोमेटिक ऐसे रहते हैं। जर्मनी के घर जितनी पूरी जर्मनी के अंदर आपको इसी तरीके के घर मिलेंगे, घरों के अंदर इसी के तरीके से वो होगा कि ताकि बर्फ़ जो है ज़्यादा वो ना पड़े, ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। तो ऐसी ही, और आप लोगों को पता ही है कि हमारे कुछ वीजा के रिलेटिव वीडियो तो आती रहती है, तो ये नज़ारे थे आपको दिखाने ज़रूरी थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम दिखा लेते हैं आप लोगों से और इस चीज़ों को शेयर कर देंगे, और आप लोगों के कमेंट और कैसा लगा आपको और कैसे लगी हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्ते जर्मन को ज़रूर जितने भी लोग देख रहे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइबर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे।